अब आखिर में बोनस टिप फॉर बुध, अगर आप हर काम में हड़बड़ाहट करने लगे हैं, जल्दबाजी करने लगे हैं, तो समझ जाइए इसका मतलब है आपका बुध खराब हो गया है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी तोंद निकल गई है तो उसे ठीक कीजिए, क्योंकि आपका बुध खराब होता जा रहा है। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं तो उनका इलाज कराइए, अपने बुध को सही कीजिए। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई चीज खराब पड़ी है, जैसे कि छोटी सी चीज है, पेन, हम सोचते पेन ही तो है खराब पड़ा तो क्या बात है, नहीं, अगर आपके घर में पेन भी खराब पड़े हैं तो उसे फेंक दीजिए। खराब चीजों से आपका बुध खराब होता है। अगर आपके घर में अनयूज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो भी आपका बुध खराब कर रहे हैं। और वैसे बुध को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है संगीत के साथ जुड़ना, गाने गाना, गाने गुनगुनाना। तो क्यों ना आपने उस अनयूज्ड इंस्ट्रूमेंट को डेली थोड़ा थोड़ा ही से बजाना शुरू करें, इससे आपका बुध इंप्रूव हो जाएगा। बुध हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इसलिए डेली प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपकी वाणी की मधुरता खत्म हो गई है और अगर आप गाली गलौज के साथ बात कर रहे हैं तो समझ जाइए आपका बुध खराब हो रहा है। बुध को ठीक करने के लिए आप अपने हाथ में कुछ हरे रंग का पहन सकते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, और एक खास बात, आप हींग का खाने में इस्तेमाल जरूर कीजिए। खास तौर पे दाल में तो हींग का छौंक लगाइए ही लगाइए। आप अपने आसपास पौधे उगा सकते हैं, पौधों की केयर कर सकते हैं, इससे भी आपका बुध मजबूत होता है। और आखिर में बुध का महा उपाय, एक तांबे का लोटा लीजिए और उसे शिव मंदिर में जाकर छोड़ आइए। जब आपके लोटे का इस्तेमाल करके लोग शिव भगवान पर जल चढ़ाएंगे तो उससे आपका मजबूत होगा बुध, और साथ साथ बुध सूर्य और चंद्र भी अलाइन होंगे। और जितना लोग जल चढ़ाएंगे आपके लोटे से उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और यही तो बुध की स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसी है कि अपना काम दूसरों से करवा लेना।